हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। आज मैं आपको 5 से 6 महीने की बेबी के लिए एक और बुटीक बताऊंगी, और जिसमें हम डोरी से बांध सकते हैं उसको। फैमिली से डिमांड आई है कि ऐसा बूट बनाइए जिसे हम डोरी से बांध दें और बेबी के पैर से वो आसानी से निकल ना जाए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 12 नंबर की सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी पुरानी सिलाई है, 25-30 साल पुरानी सिलाई मेरे पास पड़ी हुई है, और यहाँ पर मैंने फंदे डाले हैं फ्रेंड्स 46। आप अपने बेबी के पैर के अकॉर्डिंग इन फंदों को घटा बढ़ा सकते हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे काफ़ी ढीले हैं। तो फर्स्ट रो जो है उसे हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, दोनों तरफ से हम उल्टा ही बनाएंगे। या तो आप सीधा सीधा बना लीजिए दोनों तरफ से, या आप उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी दोनों तरफ से ही। तो ये देखिए 40 स्टिचेस मैंने डाले हैं, उसके बाद मैं इसे उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। ये देखते जाइए फ्रेंड्स, ये पहली सिलाई है, फर्स्ट रो है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होती है बनाने में। तो मैं ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है बनाकर। अब ये मेरी सेकंड रो है, तो मैं इसे सेकंड रो से भी उल्टा ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर उल्टा बनाने में इजी होता है तो आप उल्टा बना सकते हैं, अगर आपको सीधा बनाने में इजी होता है तो आप सीधा सीधा बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी सिलाई एंड तक मैं उल्टा ही बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का बैक साइड में, यहाँ देखिए मैं घुमाकर दिखाती हूँ आपको। जब हम दो रो कंप्लीट करते हैं, दो सिलाइयाँ बुनकर बना लेते हैं फ्रेंड्स, तो एक रो ऐसी बनकर आती है, मतलब कि ये लाइन बनकर आती है ऐसी, आपको दिख रहा होगा कैमरे में क्लियर। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी लाइन बनकर आती है। तो ऐसी लाइनें हमें 14 बनानी है, 14 बनानी है ऐसी लाइनें, और उसके लिए हमें, मैं इसको सारा बना लेती हूँ 14 रो तक, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रॉन्ग साइड है, और मैं अब अपनी राइट साइड पे आ गई हूँ। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इतना बड़ा बना लिया है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी 2 रो कंप्लीट हो गई है, 1 और 2। 2 रो दिख रही है, बट मैंने इसमें 4 रो कंप्लीट की है तब ये 2 रो बनी है। कहने का मतलब ये है कि मुझे इस टाइप की 14 रो बनानी है, 14 लाइन मुझे चाहिए, और 14 लाइन ऐसे दिखने के लिए मुझे 28 ये सिलाई बनानी होगी। 28 सिलाई जब हम बनाएंगे तब हमारे पास 14 रो आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदा अगर आप बनाते हो तो बना लीजिए, और अगर आप उसे उतारते हो तो उतार लीजिए, और धागा ऐसे आगे करना है। तो यहाँ साइड की तरफ ये जो है हमारी, यहाँ आपको दिख रहा होगा कैमरे में क्लियर, यहाँ पर एक चैन बन जाएगी। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत अच्छे से सिलकर सामने आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको बना लेती हूँ, 14 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टेप से बनाती रहूँगी, इसे बनाती जाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप वो भी कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो बनाते टाइम मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई स्पेलिंग में गलत बोल जाती हूँ, तो फ्रेंड्स उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना अभी स्टार्ट किया है। हम नॉर्मली तो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, बट जब हम कैमरा ऑन करते हैं फ्रेंड्स, अंदर से एक घबराहट होने लगती है। अच्छे खासे वर्ड भी हम बोलते टाइम गलत बोल जाते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स इग्नोर कीजिएगा, बस मेरा वीडियो देखिए, मेरी कोशिश देखिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो फटाफट बोल जाते हैं। मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ और छोटे बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, इसलिए कैमरे के सामने आते ही मुझे बहुत घबराहट होती है, इसीलिए मैं एक दो स्पेलिंग गलत बोल जाती हूँ। तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, बस मेरी कोशिश देखिए, मैं क्या आपको सिखाना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ, आप उसका ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे सारा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बड़ा बना लिया है, मैं नीचे रख के दिखाती हूँ, इतना बड़ा बना लिया है मैंने, 15 से 14 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें सारा उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो यहाँ के मैं 12 12 फंदे इसमें से घटा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 का 1 कर देना है, हमने 2 का 1 किया, तो 1 2 3 4
चार, ये कंप्लीट हो गया। पांच, छः, सात, आठ, इसी टाइप से हमें पूरे 12 फंदे घटाने हैं। नौ, दस, ग्यारह और ये 12। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल 12 फंदे यहाँ से घटा दिए। मैं सिलाई निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टोटल 12 फंदे घटा दिए हैं। इसके बाद ये सारी सिलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है जैसे हमने अब तक बनाई है। एंड तक हम इसे ऐसे ही उल्टा बना लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लिए हैं एंड तक। ये देखिए, ये मेरी फ्रंट साइड है फ्रेंड्स, राइट साइड है ये मेरी, और ये घूमकर जब हम इस तरफ आ गए हैं तो ये मेरी बैक साइड हो गई है। तो जितने फंदे हमने इस तरफ से घटाए हैं उतने ही हमें यहाँ से भी घटाने हैं। वो आपने 10 घटाए हो या 12 घटाए हो वो आप देख लीजिए, उतने ही फंदे हम इस तरफ से भी घटा देंगे। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये ट्वेल्व। तो ये देखिए हमने 12 फंदे यहाँ से घटा दिए हैं। अब इसके बाद ये जो जितने भी फंदे बचे हैं इन्हें हम ऐसे ही उल्टा उल्टा एंड तक बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ से घटा दिया है। अब इसके बाद हमें ऐसे ही ऊपर इसको थोड़ा और बनाना है। लगभग मैं 6 रो बनाऊंगी और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसमें जाली डालकर आपको बताऊंगी। फर्स्ट फंदा ये देखिए हम निकाल लेते हैं और अपने फंदे को आगे की तरफ घुमाकर हम ऐसे लाएंगे और ऐसे ही बस उल्टा उल्टा बना देंगे। तो मैं इसे 6 लाइन या 5 लाइन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 रो कंप्लीट कर ली है। ये मेरी सीधी साइड है, फ्रंट साइड है और ये है मेरा बैक साइड। तो अब हम इसमें जाली डालेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम अपनी डोरी पिरोएंगे। तो फर्स्ट फंदा मैंने ऐसे ही निकाल लिया है और धागे को आगे किया है और यहाँ से एक और फंदा मैंने उल्टा बना लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स दो फंदे का एक फंदा करेंगे। ये दोनों फंदों को हम एक साथ घटा देंगे और यहाँ पर एक जाली बनाएंगे। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स फंदा आगे ही है, पीछे नहीं है और यहाँ के मैंने दो फंदे एक साथ लिए हैं और इनको मैं धागे को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाकर यूँ सीधा करके इसे निकाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा दो फंदे का एक फंदा हो गया है और यहाँ पर एक हमने जाली डाल दी है। तो हमने जो फंदा घटाया था वही दूसरा फंदा एक और बन गया है। तो ना तो फंदा घट रहे हैं और ना बढ़ रहे हैं। तो फिर से मैं अपने धागे को आगे करूँगी, दो ऐसे ही बना लूँगी उल्टा और उसके बाद फिर यहाँ से दो फंदे का एक फंदा कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा मैंने अंदर डाला और इस धागे को यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाते हुए पीछे की तरफ सीधा कर दूंगी फंदे को। ये सीधी बुनाई हो रही है यहाँ पे हमारी, दो फंदे का हमने एक फंदा बना दिया और ये जाली बन गई है, एक फंदा बढ़ गया है। तो ना तो हमारे फंदे बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, हम दो का एक करते हैं बट धागा जब हमारा आगे से पीछे की तरफ जाता है तो एक फंदा बढ़ जाता है। तो ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। दो फंदे बना लेने हैं और उसके बाद फिर एक जाली डालनी है। ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपने कितने फंदे डाले हैं और आप कितनी जाली डालना चाहते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने शायद 3 बार फंदे घटा दिए हैं, ये मेरा 4th फंदा, दो का एक बना दिया मैंने और एक फंदा हमारा घट गया है। ये देखिए फिर से दो फंदे मैंने सीधे बना उल्टे बनाए हैं और लास्ट के दो फंदे मैं ऐसे दो का एक बना देती हूँ। एक हमारी जाली बन गई है और एक फंदा हमारा बढ़ भी गया और एक फंदा यहाँ पे घट भी गया। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स
लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं उनको मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रॉन्ग साइड थी, अब मैं इसको घुमा देती हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर, हमने शुरुआत से इसको उल्टा उल्टा बनाया है, तो हमें यहाँ भी उल्टा ही बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदा मैं हमेशा उतारती हूँ, मैंने उतार लिया है, और धागे को मैं घुमाकर आगे लाऊंगी। ये देखिए फंदा हमारा घूमकर आगे आ गया है, और अब बस इसे सारी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाना है, ना तो कहीं घटाना है ना बढ़ाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो फंदा है जो हमने जाली डाली थी उसका है। तो ये देखिए यहाँ पर एक गैप बन जाएगा, जब हम दो चार बार इसको बना लेंगे, दो चार सिलाई, तब आपको समझ आएगा। ये सारी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको एंड तक ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए दो फंदे हमारे ये वो बन गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पर ये जो फंदा हमने जाली डाली थी, ये वो वाला है। एंड तक हमें ऐसे ही करना है, उल्टा उल्टा ही बनाना है, सीधा हमें नहीं बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा हमने उल्टा बना लिया है। हम वापस हम सिलाई को घुमा लेते हैं। ये देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जाली दिख रही होगी, तो ये हमारी जाली बन गई है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसे एक दो सिलाई और बना लेती हूँ, फिर ये जो जाली बनी है ये आपको क्लियर दिखाई देगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इतना बड़ा बना लिया है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारी फ्रंट साइड है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे से देख के पता चलता है ये हमारी फ्रंट साइड है। और ये देखिए आपको क्लियर दिख रहे होंगे, ये जाली, ये हमने जाली डाली है इसमें। इसमें से हम अपनी रस्सी डोरी जो भी हम इसमें डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ डाली है मैंने 1 2 3 4 5। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको पलट लेते हैं। ये हमारा बैक साइड है, अब हम इसे और ज़्यादा नहीं बनाना है। और यहाँ साइड में देखिए कितनी अच्छी हमारी चैन बनी है। तो ये चैन जो बन जाती है, इसे सिलने में हमें बहुत फायदा होगा। दोनों तरफ ऐसे ही बनी है, आपको दिख रही होगी, क्योंकि हम फर्स्ट फंदा उतार लेते हैं और फिर धागा आगे कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी, दो का एक करते जाऊंगी। और हमारी उल्टी सिलाई है, उल्टा उल्टा बना रहे हैं, तो हमें इसे ऐसे ही बनाना है। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो का एक करते करते सारे फंदे जो हैं हमारे, वो सारे मैंने घटा दिए हैं, बंद कर दिए हैं। और ये लास्ट का फंदा है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ। बड़ा खोल दिया मैंने, और इसके अंदर से अपनी वूल मैं पास कर दूंगी और खींच कर इसमें मैं नॉट लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, तो यहाँ ऊपर की तरफ भी हमारी एक चैन बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी फिनिशिंग से ये बंद हो गया है। ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो यहाँ से थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं इसे कट कर लूँगी, क्योंकि हमें इसकी सिलाई भी करनी है। और धागे को मैं सुई में भर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धागा मैंने सुई में डाल लिया अपनी ऊन को। और अब हम इसे, ये हमारा फ्रंट साइड है, सीधा पार्ट है, और मैं इसे यूं मोड़ देती हूँ, तो जो रॉन्ग साइड है हमारी वो ऊपर आ गई है। अब इसकी सिलाई करनी है फ्रेंड्स। तो सिलाई करने के लिए देखिए, मैं नीचे रख के दिखाती हूँ। इसकी सिलाई करने के लिए या तो आप यहाँ से, यहाँ कॉर्नर से ऐसे करके ऐसे पूरी सिलाई कर दीजिए, या फिर आप ऊपर से कर लीजिए। ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नीचे तक इसको बंद करना है। तो फ्रेंड्स, जो धागा ऊपर था मैंने उसी में अपनी सुई डाली है, तो मैं इसे ऊपर से ही सिलाई कर देती हूँ। दोनों को बराबर पकड़ लेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए, यहाँ ये जो हमारी चेन बनी हुई है, इसी में से हम फर्स्ट फंदा ले लेंगे। और ये इस तरफ का फर्स्ट फंदा लेकर बस इसे ये निकालते हुए सील देंगे। दोनों तरफ से फर्स्ट फर्स्ट फंदा लेना है, जो जो चेन हमने बनाई है फ्रेंड्स, दोनों तरफ साइड में चेन जो बनी हुई है, उसी में से एक एक फंदा उठा लीजिए, तो वो चेन भी खराब नहीं होगी और हमारी सॉक्स जो है वो आराम से सिल जाएगी और देखने में भी बुरी नहीं लगेगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे एंड तक सील लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अगर सारा सील कर दिखाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सिलाई कर दी है। ये हमारा आगे उंगलियां आएंगी, ये हमारा नीचे की तरफ तलवा है, और ये यहाँ से हमारा पैर जाने की जगह है। तो मैं इसके लिए डोरी बना लेती हूँ। डोरी बनाने का तरीका दो तीन तरह से होता है। तो इस टाइम मेरे पास क्रोसिया नहीं है, तो इसीलिए मैं हाथ से डोरी बना रही हूँ। जब मेरे पास क्रोसिया आ जाएगा तो मैं दोनों तरीके से आपको डोरी बनाना बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डोरी बनाकर लगा दी है। आप चाहो तो यहाँ डोरी के आगे पोम पोम भी लगा सकते हो, और इसमें गांठ लगाकर बच्चे के पैर में आप इसको इजीली पहना सकते हो। ये बेबी के पैर से निकलेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक ये है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।